हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का अपना पहला सवाल है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि, थाई राइड। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? कौन है दोस्तों? वहन मछली, वहन मछली। फिर अपना अगला सवाल है दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी दोस्तों? लैंड स्टेनर, लैंड स्टेनर। फिर अपना अगला सवाल है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है दोस्तों? बॉक्साइट, बॉक्साइड। फिर अपना अगला सवाल है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था दोस्तों? स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट। फिर अपना अगला सवाल है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, डायनेमो। डायनेमो। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति, स्मृति यानी यादाश्त, यादाश्त। और क्या कहलाती है दोस्तों? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रैंडम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी। फिर अपना अगला सवाल है कि रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। फिर अपना अगला सवाल है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है दोस्तों? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। फिर अपना अगला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों? शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह को। फिर अपना अगला सवाल है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? चोप मंडल, चोप मंडल। फिर अपना अगला सवाल है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? कितना डिग्री? 1 डिग्री। कितना समय लगता है दोस्तों? 4 मिनट, 4 मिनट।
फिर अपना अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? किससे बनता है दोस्तों? जिप्सम से। जिप्सम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? किसकी सहायता से सांस लेती है दोस्तों? ग्लपटों की सहायता से। ग्लपटों की सहायता। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल से। फिर अपना अगला सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। मुंबई में। फिर अपना अगला सवाल है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार। फिर अपना अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और ऐसे ही क्लासे आते रहेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।